बोलो सरस्वती माता की जय। श्रोताओं मैं इस कथा में बताऊंगा आपको कि रावण सीता का स्वयंवर छोड़कर क्यों भागा। ये मैंने कथा रामायण से ली है। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। श्रोताओं महाराजा जनक के यहाँ जनकपुरी में सीता का स्वयंवर रचा था। वहाँ बड़े बड़े विद्वान और बड़े बड़े राजा पराक्रमी लोग आए थे। वहाँ श्री राम लक्ष्मण विश्वामित्र मतलब बहुत सारे लोग आए थे। और जब सीता माता का स्वयंवर चल रहा था उधर लंका का राजा नरेश रावण और बाड़ा सुर भी आया था। जैसे ही उन्होंने जनकपुरी में प्रवेश किया और गांव वालों ने जनकपुरी वालों ने देखा वो डर गए, क्योंकि रावण विशाल 10 उसके शीश थे, 10 कंदर और बाड़ासुर। जैसे ही वो सीता स्वयंवर में उन्होंने प्रवेश किया, राजा जनक अपनी पुत्री सीता को लेकर रावण के सामने आए और उनके चरण स्पर्श करे, क्योंकि रावण बहुत ही विद्वान था। उस जमाने में उसके उतना विद्वान कोई नहीं था, क्योंकि उसने स्वयं अपना काल अपने चार पाई के पार्टी पर बांध कर रखा था। उसने कुबेर को पराजित किया था, राजा के जो इंद्र का धनुष कई लोगों को हरा दिया था, और वो दूर दूर जितने राजा थे अयोध्या और जनकपुर के राजाओं से छोड़कर सबसे कर वसूलता था, क्योंकि अहंकारी राजा था रावण। उसने शिव शंकर के कैलाश पर्वत को भी अपने हाथ से उठा लिया था। जब ही राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का हाथ बाया हाथ रावण के लिए दिखाया कि हस्तरेखा देखी, क्योंकि रावण इतना विद्वानी था, जब रावण ने सीता माता का हाथ देखा तब उसने देखा कि राम लक्ष्मण सीता का वनवास होगा और सीता के कारण मेरा ही मरण और मेरा ही नाश होगा। श्रोताओं जब रावण ने ये देखा कि सीता के ही कारण मेरा नाश होगा मेरा मरण होगा, प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब देखते देखते क्रोधित हो गया, क्योंकि अहंकारी था। उसने कहा राजा जनक से कि तुम्हारी पुत्री के कारण मेरा विनाश होगा और इसे वनवास होगा। रावण के मन में क्रोध और अहंकार जागृत हुआ। उसने मन में विचार किया जब रावण सीता मेरी पत्नी बन जाएगी तो मेरा नाश नहीं होगा। श्रोताओं उसने मन में विचार कर लिया कि अगर सीता से मेरी शादी हो गई तो मेरा विनाश कैसे होगा। अब स्वयंवर में दूर दूर से राजा धनुष उठाने लगे। उधर बाड़ासुर कह रहा है कि आपको अहंकार हो गया, तो कह रहा है रावण ये तो छोटा सा धनुष है। रावण कह रहा है मैंने तो बड़े बड़े धनुष राजा इंद्र का धनुष कई सारे धनुष तोड़े हैं, ये तो भगवान शिव का धनुष है, ये तो मेरे गुरु का धनुष है। जब मैंने शिव शंकर पूरे कैलाश पर्वत को उठा लिया तो ये छोटा सा धनुष क्या चीज है। श्रोताओं कई नरेश मतलब धनुष चढ़ाने को थे उठाने को थे मगर किसी पे नहीं हिला। यहीं पर एक कहावत आती है कि रावण की भुजाओं में इतना दम था क्योंकि कई लोगों को उठा सकता था, मगर मध्य रात्रि का टाइम है उसने धनुष को हिलाया झकझोर के रख दिया, दांत मीसने लगा, पृथ्वी हिल गई मगर धनुष नहीं हिला। उसकी बताया जाता है कि प्रमाण है कि उसकी उंगली भी दब गई मगर उससे धनुष नहीं हिला। उसने काफी ताकत लगाई जैसे एक चौपाई आ गई, चलो जवानों जोल लगाओ मिलकर धनुआ तोड़ डालो, चलो जवानों जोल लगाओ मिलकर धनुआ तोड़ डालो, आओ धनुष तोड़ के मैं सीता जी को ले जाऊंगा, सीता को मैं अपनी पत्नी बना के ले जाऊंगा, फिर मेरा कैसा होगा विनाश, फिर मेरा कैसा होगा विनाश। रावण कहने लगा, रावण अहंकारी था, रावण को अहंकार हो गया। फिर जब धनुष नहीं उठा बाड़ासुर कहने लगा कि ये धनुष क्यों नहीं उठ रहा था, क्योंकि बाड़ासुर के गुरु भी भगवान शंकर थे। उसने ध्यान किया, भगवान शंकर का जब ध्यान करा बाड़ासुर ने तब देखा कि उस धनुष की रक्षा स्वयं भगवान शंकर कर रहे थे। तभी बाड़ासुर मुस्काने लगा कि और तुरंत हंस के चला आया, उसने धनुष को छुआ भी नहीं।
जब धनुष रावण पर नहीं हिला, रावण के दांत किलकिलाने लगे, पृथ्वी हालने लगी, राजा सब लोग देखने लगे, विद्वान लोग देखने लगे, फिर जब धनुष नहीं हिला तब रावण कहने लगा, मैं अब सीता को अपने बलपूर्वक ले जाऊंगा। श्रोताओं, जब रावण ने कहा मैं सीता को बलपूर्वक ले जाऊंगा, तो सभी लोग वहां जनसभा जो दरबार में थे, सभी लोग चकित हो गए और रावण को देखने लगे, ये रावण क्या कह रहा है कि मैं इस सीता को बलपूर्वक ले जाऊंगा। तभी ऊपर से गर्गराज आकाश बुड़ी हुई, हे रावण, तू सीता का अपहरण करके ले जाएगा, सीता को बलपूर्वक ले जाएगा, उधर तेरी कुंभर नबी नाम की जो बहन है, उसे एक दैत्य जिसका नाम है मधु दैत्य, वो अपहरण करके ले जा रहा है। तो यहाँ किसी का अपहरण कर रहा है, उधर तेरी बहन का अपहरण हो रहा है। रावण बोला, मैंने अपने पुत्र मेघनाथ को लंका की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए वहां छोड़ रखा है। फिर आकाशवाणी हुई कि हे रावण, जिस तू मेघनाथ को छोड़ के आया है, वो मेघनाथ यज्ञ कर रहा है देवी को खुश करने के लिए। फिर उसके बाद में रावण बोला, मैं अपने भ्राता कुंभकर्ण को छोड़ के आया हूँ। फिर आकाशवाणी हुई, तो जिस कुंभकर्ण की बात कर रहा है, वो अभी सोने में व्यस्त है, उसके अभी 6 मास पूरे नहीं हुए हैं। फिर आकाशवाणी हुई है कि मैं अपने भ्राता विभीषण को छोड़ के आया हूँ। फिर रावण बोला, जब आकाशवाणी ने द्वारा तिहारा कहा है कि मैं कि आप की बहन फिर ले जा रहा है, तो रावण बोला कि मैं अपने भ्राता विभीषण को छोड़ के आया हूँ। तभी आकाशवाणी ने कहा, तो जिस भ्राता की विभीषण की बात कर रहा है, वो तो युद्ध कभी लड़ता नहीं है, वो तो पूजा पाठ में व्यस्त रहता है, बता रावण। फिर रावण के मन में आया कि मेरी बहन का कोई अपहरण करके ले जाया, रावण ने वहीं पे धनुष छोड़ दिया और चलने में विचार लगा दिया। श्रोताओं, इसी कारण रावण अपनी बहन को बचाने के चक्कर में स्वयंवर छोड़कर भागा। इसी कथा में कि रावण सीता का स्वयंवर छोड़कर क्यों भागा, इसीलिए सीता का स्वयंवर छोड़कर भागा क्योंकि इसकी बहन का मधु नाम का दैत्य अपहरण करके ले जा रहा था। उसके मन में आया कि मैं किसी नारी अबला का अपहरण कर रहा हूँ, मेरी उधर बहन का हो रहा है। फिर रावण अहंकारी था, तुरंत कंका की तरफ उसने प्रस्थान कर दिया। श्रोताओं, यही कथा थी रावण स्वयंवर छोड़कर भागा। अगर इस कथा को आपको अच्छी लगी हो थोड़ी सी भी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपना कमेंट जरूर देकर मुझसे कोई गलती हुई हो तो अपना बच्चा समझकर मुझे माफ कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।